ठीके बोले छी मैं भी वहां पर मिथिला में बहुत दिन जी मुझे वहां का तौर तरीका अदब लिहाज मुझे बहुत वो सब ठीक रहे अपनी लड़कियों को भी कहने जी इन लोग का तो हम कोशिश किए हैं प्रभु नहीं मुझे नहीं और ये सब फ्रॉक ड्रॉ डालता नहीं कभी कभी घर में पहन लिया नहीं वो सब नहीं प्रभु चलता मेरे यहाँ अपना पैंट शर्ट जॉब के लिए और घर में सब जीवन निर्वाह के लिए यहाँ आए हैं अपनी प्राचीन संस्कृति हमारी ठीक रहे जी जैसे तुमने अभी तक रखा है तुमको देखने से मालूम होता है प्रभु हम जो है अपना भी छोड़ दूं और यहाँ भी नहीं अति करूं तो धोबी के गधा ने घर का न घाट का इसलिए अपने को नहीं भूलना है ठीक अपने रूट को नहीं भूलना है इनके पति लोग इनके पति डाइवोर्स दे रहे हैं इनके दे रहे हैं जी फाइल हो चुका है वो छपरा के लड़का है और फिर यहाँ पर भी आरम्भ हो गया जी बहुत चला हुआ है प्रभु और वो ठीक है ना हाँ, इसके स्वामी कौन है इसके हस्बैंड ऑस्टिन उसके इंजीनियर है कंप्यूटर इंजीनियर तो अभी काम पर गए हैं हाँ वो आएंगे सैटरडे को उनको छुट्टी नहीं मिली इसको कितने बच्चे हैं बस दोनों के एक एक लड़का है इसका लड़का वो है और उसका लड़का ये है आप फिर शादी करेगी जी नहीं खबरदार मत जी नहीं कभी नहीं से शादी कर लो वो तो शादी हो चुकी प्रभु पैदा होते ही हो जाती है कृष्ण ही तो पहला ही है इसको छोड़ के आदमी भटकता है इसीलिए दुर्गति होती है चिन्ह भी लेकर के अपना उनका कुछ मंत्र ले सकते उनका करे तो अपने जीवन में एक सहारा हो जी काम हम करती है हाँ एक कंप्यूटर इंजीनियर है बहुत अच्छा पैरों पर एकदम खड़ा रहे जी तपने की जरूरत और वो कुछ करती है वो अभी नहीं करती तुम बताओ ना मैंने तुम्हारा सब्जेक्ट हमको नहीं कर रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं ठीक है करो तुम भी अपने पैर पर खड़ा रहो और अपने धर्म पर एकदम पक्का जब तक बच्चे अपने को भूल जाएंगे प्रभु तो फिर आने का फायदा क्या होगा ऐसा ही हो रहा है मुझे नहीं चाहिए मेरा तो आपको सब चीज मिलेगा पुराना इंडियन वाला सब चीज उसी में रहना है अपना को अरे वाह माधव खेलेगा भैया से इनके फ्रेंड है सब दोस्त अपने यू कैन सी योर फ्रेंड देखे कल्याणम बहुत अच्छा क्या होगा बतलाओ प्रोग्राम आज का हैं इनका नाम क्या है मंजू पर वल्लभाचार्य का प्रचार है बहुत कुछ तो वहाँ पर लाल लाल लाड़ीली मंजू लाली राधा कृष्ण की सखेली का बहुत अच्छा बोली कुछ हाँ तो सब भक्त हैं तो कुछ तत्व भक्ति संबंधित कोई तत्व की बात हो रही है ये लोग सब भक्ति में काफी आगे हैं तो तुम थोड़ा सा बोलो थोड़ा सा नहीं रामचंद्र जी रामचंद्र को बोलते हैं उनको कुछ आता जाता नहीं है वो ताक पर तुक लगा मैं क्या बोलूँगा बोलो तो देखे जी महाराज जी भक्त मैं आपके बारे में बोल देता हूँ इसको कुछ मत भक्ति के संबंध में वो लड़का वही है ना जिसको लेकर के आया वाशिंग क्रम मिला था ठीक इसका नाम दीना भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर में बरसे एक है ना रंग बरसे जी रंग बरसे है कोई कीर्तन हाँ तो तुम्हारे ऊपर में भगवान की कृपा बरसे ठीक वो कौन है जो बैठी है पीछे आशा आशा जी कौन है आशा मिश्रा आइए ना महाराज जी ये बड़ी कल रात को बड़ी खुश थी है
आशा मिश्रा जी आ जाओ बेटी इधर। अभी काम का समय ना इसीलिए कोई नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं लेकिन मुझे तो कोई आया आज घड़ी हमने नहीं लाया महाराज जी एक वो मधु क्या क्या पता नहीं लिया तो था ठीक छोड़ दो कितना बजा 11 10:40 हुआ। ये महाराज जी पिछले 12-14 साल से यहाँ पे हिंदी कम्युनिटी में लेडीज ने हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करती हैं और इन्होंने कुछ इस तरह से 20-25-30 लोगों को ना बांध के रखा हुआ है कई सालों से। तो 2-3 बार इनके उस कार्यक्रम में एक बार मैं इनके एक कार्यक्रम में गया था और फिर इनको बुलाया अपने सत्संगों में भी आई कई बार। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा सत्यनारायण की कथा का आगे परिणति है कि वो भागवत कथा बन जाती है। ये उस कथा में खुद बताती हैं उसमें ऐसा मेंशन आया है कि जो उनका वो था ब्राह्मण था वही बाद में सुदामा मित्र सुदामा बना। वहाँ पे कोई इनकी कथा आती है वो सत्यनारायण की कथा करता था और बाद में वो फिर विप्र सुदामा बना। मैंने कहा कि इस कथा का परिणति ये है कि निष्काम हो गए फिर हम निर्गुण हो गए भागवत की कथा करें और इनको ये बात समझ आ गई। ठीक ज्ञानंजनशलाकल चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय साधारण तरह से जिनकी सुकृति कम है और संग भी कम है वो लोग शुद्ध भक्ति को ठीक से समझ नहीं पाते। भक्ति एक ऐसी चीज है कि कृष्ण तक को भी आकर्षित कर लेती है। तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। भक्ति क्या है तन मन वचन और तीनों से अतीत जो भावना है उन सब से ऐसी चेष्टाएं हों तन से हो मन से हो वचन से हो भावना से हो हृदय से हो जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जिससे भगवान प्रसन्न हो और अपने लिए या शरीर संबंधी या अपने परिवार संबंधी या लौकिक या साधारण तौर से जो स्वर्ग इत्यादि की जो सुख है
ये किसी चीज की भक्ति से कोई लालसा इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न जब हम करना चाहते हैं तो जो क्रिया है उसको भक्ति तो कहेंगे, किंतु उसके द्वारा अपने लोक की कोई भी सुख की लालसा उससे नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं हो करके बनियागिरी होती है। जैसे मसाला है, तुम पैसा दे दो, दो पैसे की पूड़िया बांध करके दे दो, तो बनिए ने एहसान हमारा किया तो पैसा लिया, या इस आदमी ने भी उसका कोई एहसान किया, पैसा दिया उसने मसाला दे दिया, अपना अपना काम अलग अलग। भक्ति ऐसी चीज नहीं है। भगवान के लिए जो भजन करते हैं, अपना कुछ भी यदि मांगा तो भक्ति बिगड़ जाएगी। कोई भी, यहाँ तक कि अपनी क्लेशों को दूर करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना मत करो। मैया से छोटा बेटा बच्चा जो है ये नहीं कहता जी हमें मच्छर लग रहे हैं, हमें भूख लग रही है, वो क्या करेगा, रो देगा बस। मैया समझ जाएगी जैसे ये क्या चाह रहा है, वो ऐसे ऐसे पैर फेंक रहा, थोड़ी देर के बाद मुंह करेगा तो मैया उसको पलट देगी, ये नहीं कहेगा जी हमको पलटो ना, हमें दूध पिलाओ ये भी नहीं कहेगा, हमें मच्छर काट रहे हैं ये भी नहीं कहेगा, केवल शरणागत हो जाएगा, रोए गया ना। मैया का अतिरिक्त किसी को नहीं है। यदि भगवान से कोई प्रार्थना करनी हुई तो तब फिर भगवान अंतर्यामी रहा, दयालु कहाँ रहा, यदि उसे मांगना ही पड़ रहा है तो तब फिर भगवान कैसा, भगवान नहीं है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग समवट, जैसे बच्चा कुछ भी नहीं मांगता है किंतु मैया और बाप सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, जब जितना बड़ा होता जाएगी उसकी अपनी अकल आते जाएगी उतना वो छोड़ते जाएंगे, तुम करो अब धरो, जब तक कुछ नहीं कर रहा है तब तक करें, जब करने लगेंगे, यहाँ तक कि जब कहेंगे अब अपनी हम शादी कर लेंगे और उनके दो पर हो जाएंगे तो अपने आप उड़ जाएंगे, फिर तुम्हारे कहने से भी नहीं रुकेंगे, फिर बात नहीं सुनेंगे, फिर तुमको जो बच्चा नया होगा अब उसके लिए चलेगी, ये ठीक होगा, वो तो नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया। तो कोई भी संसार की वासना यदि हुई भजन में तो वो भक्ति नहीं हो करके, भक्ति जैसे दिखने पर भी भक्ति नहीं है, वो कर्म मिश्रा हो गई। जहां पर कोई भी प्रार्थना है, जैसे हे नारायण देव आपका पूजन कर रहा हूँ, आपकी शिरनी दे रही है, आपकी कथा हो रही है, पुत्रम देहि धनम देहि जसो देहि सुंदरी बारजांग देहि सुंदरम पतिम देहि, जहाँ ये प्रार्थना, ये श्रुत भक्ति गड़बड़ हो जाएगी, तो वो प्रभु उसको दे देंगे और अपने आप हट जाएंगे, फिर कोई संबंध नहीं। बनिया से मसाला लिया फिर वहाँ से चल दिए, बनिया से कोई जरूरत नहीं, ऐसे भक्ति क्या। और उसमें ज्ञान कर्म योग तपस्या यदि किया जाएगा तो हृदय कठोर बन जाएगा, उसकी भी उतनी जरूरत नहीं है। भक्ति में जो चीज़ें हैं, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान की कथा सुनना, भागवत सुनना, ये अपने आप इतने प्रबल हैं कि ज्ञान योग तपस्या ज्योतिषी और किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में भक्ति परिपूर्ण है। यदि कोई ऐसा भक्ति करता है तो सहज ही में भगवान उसे खींच आते हैं, और यदि उसको कोई असुविधा होती है तो पहली स्थिति में भक्त को तो कोई मुसीबत नहीं है, कभी कभी नहीं,
कोई उनको कठिनाई नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस आदमी को हम जिसको कहते हैं ये प्रॉब्लम है, जैसे पति ने स्त्री को छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम है ना, तो वो स्त्री कहेगी आज हमारा जन्म जन्म का सौभाग्य है कि आज हमको कृष्ण की सेवा करने के लिए मुझे मिल गया मौका, जरूरत ने बहुत कुछ देख लिया, अब उसके लिए क्या हो गया, वरदान हो गया, और भगवान उसका किसी न किसी रूप में उसको सब व्यवस्था कर देंगे। उसी तरह से श्रीनिवास थे महाप्रभु के भक्त, शिवास कुंडली, और उनका लड़का मर गया, अकेले ही लड़का था, घर के लोग रो रहे हैं, उन्होंने कहा जे बहुत अच्छा, सारा समय इसमें जा रहा था, वो अपना कहीं ना कहीं तो होगा, मरेगा तो कहाँ जाएगा, वो मरने के बाद में जैसे शरीर छोड़ दिया तो हम समझने मर गया, तो मर करके कहाँ जाए, कुछ दूसरी जगह फिर जन्म ले लिया, तो वहाँ पर अच्छा है ठीक है, अब तो मुझे फुर्सत हो गई है दिन रात भगवान का भजन करूँ। इस तरह से शुद्ध रूप में भगवान का भजन करना चाहिए, धीरे 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 जो हमारी संसार की चीजें हैं, कामनाएं हैं, ये सब छोड़ती जानी चाहिए। मान लिया कि हम भगवान से धन मांगा, धन लेकर के हम करेंगे क्या, खाने के लिए हमको जरूरत है, लेकर के तो जाना नहीं है इस जगत से। इसलिए यदि आत्मज्ञान हो जाए, कृष्ण का ज्ञान हो जाए, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, जीवन का यही एकमात्र सार है। 88,000 ऋषि लोग, कलयुग आएगा, आ रहा है, यह जान करके बड़े भयभीत हो गए, कृष्ण का अपने धाम में चले गए, उनके साथ साथ जितने उनके साथ में ब्रजवासी और भक्त थे वो लोग भी करीब करीब चले गए। उद्धव को भगवान ने रोक दिया और बाकी सब चले गए, 88,000 ऋषि लोग एकत्र हुए नैमिषारण्य में। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सुत गोस्वामी से पूछा, भयंकर कलयुग आ रहा है, उस समय में बड़े अनर्थ होंगे, लोग बुराइयों में फंस जाएंगे, लोगों में दया नहीं रहेगी, दान नहीं रहेगा, लोग धीर शांत नहीं रहेंगे, संसारिक भोगों के लिए अत्यंत दुराचार भी लोग करेंगे, स्त्री और पुरुषों का हाल बतलाया है ये कैसी दशा होगी, बड़ी भयानक दशा, अब मुझे क्या करें, लोग जो गाल बजाएंगे, अधिक प्रोपेगंडा करेंगे, वो साधु कहलाएंगे, साधु होकर के घर गृहस्थी करेंगे और कहेंगे जे गृहस्थ में अपनी स्त्री से बातचीत मत करो, अपने बाल बच्चों से मत रहो, अपने घर में पैसा मत दो, पैसा हमें दो, गुरु कहेगा, और कहे जे जगत में चारों तरफ प्रोपेगंडा कर दो जैसे ये परम महात्मा परमहंस हैं, जो जितना ही अधिक गाल बजाएगा, जितना ही अधिक प्रोपेगंडा झूठ वो साधु। इस तरह से बड़ी भयंकर दशा आएगी, क्या करना चाहिए, तत्र तत्र अंजसा यजुष्मन भवता जद विनिश्चित। इसलिए पुनसाम एकांत श्रेय, पुरुषों का एकांत रूप में कैसे कल्याण होगा,
कैसे कल्याण होगा, आप निश्चित करके हमें बतलाए। ये लड़की गाती थी वही है तो? तुम्हारे पिताजी कहाँ, नहीं आए हैं, काम पर गए हैं? ठीक है, शाम को मिलेंगे ना? ठीक है, मैं तुमको ढूंढ रहा था जी, कहाँ वो लड़की कहाँ है। अभी कीर्तन कराएंगे। संसार में जितने भी पुरुष हैं, वंस अबाउट 88,000 ऑफ ऋषि वेर कलेक्टेड इन नैमिषारण्य एंड देर वेर वेरी मच फियरफुल दैट कलियुग इज कमिंग। कलहम लाती इति कलि, कलह झगड़ा लाता है। हो इनवाइट्स कौन, सबसे झगड़ा कराएगा, इसलिए वो कली है, किसी को स्थिर नहीं रहने देगा। वो तो बहुत सौभाग्यवान है जिसके घर में भगवान की कुछ भक्ति है, वो तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब जगह वो कलह लाएगा। ये लड़की सुंदरी है, बेटा है, काम करने वाली है, कमाती है, और तो भी उसको डाइवोर्स क्यों? कोई भी मैंने बात नहीं, ये झूठ मूठ का, ये कली का काम है। इसलिए ऋषि लोग ऑल देर इज अवेयर थिंकिंग व्हाट टू डू एंड दे केम टू सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के पास आए और बोले, पुनसाम एकांत श्रेय, मनुष्यों का एकांतिक रूप में कल्याण कैसे होगा? आप समस्त शास्त्रों से सार ले करके आप हमें बतलाइए। कलयुग में आयु बहुत कम है, तुम लोग कुछ बोल देना, हम जो बोल रहे हैं ना ये अथवा लोगों के, नहीं तो हमको बहुत अधिक परेशानी। कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है, कितनी है? 10 वर्ष है। 100 में से तो आधा सोने में चला गया, सोती है? कितना सोती है दिन रात में, 24 घंटे में? हाउ मच यू स्लीप? 8 घंटे। और भी सोती है, खेलती है कुछ ना? वो भी सोना ही है, वो किसी काम का नहीं। तो 12 घंटे हम लोग सो जाते हैं और खेल तमाशा इधर उधर घूमने में इधर उधर में चला जाता है। तो ये आधा इसमें चला गया बूढ़ा होने पर भी, और 20 वर्ष और बचपन का 20 वर्ष, करीब करीब ये 40 वर्ष चला गया। आयु है 10 वर्ष, इसमें खाओ पियो, शादी करो, मौज करो, जो कुछ करना है इसी में कर लो, चाहे भजन करो, बहुत थोड़ी सी आयु। और कब होगी मृत्यु कोई भी ठीक नहीं, बचपन में होगी या वृद्धावस्था में। मंदा उनका बड़ा दुर्भाग्य रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म में अच्छा काम तो किया नहीं, अच्छा काम करने से तब तो उनको ये जन्म में सुख मिलेगा। मंदा काम करेंगे खूब अधिक, खोदा पहाड़ और मिली चूही, इतना परिश्रम करते हैं और चूहिया उसमें से निकल गई, बस खत्म। मंदा सुमंद मतयो, और बुद्धि भी सार को ग्रहण करने में समर्थ नहीं, किसे कल्याण होगा किसे अकल्याण होगा ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। वो समझते हैं कि मदिरा पान करने से, मांस खाने से, अंडा खाने से, है ना, रुपया खूब कमाने से, बस और कोई ये समझ। किंतु हमारा कल्याण कैसे होगा, हम आत्मा है इसके समझ में नहीं आती। मंदभाग्य ही उपद्रुता, अब तरह तरह के उपद्रव हैं, पास पड़ोसियों से भी बनेगी नहीं, इधर उधर से लड़ाई झगड़ा, सब समय चित्त अशांत। भूरिणी भूरी कर्मानी, बड़े कठोर कठोर कामों को करेंगे। एक हमारे भारत के, इन्हीं के संबंधी
वो अमेरिका में आए, अभी कहाँ पर हैं, कौन जा? वर्जीनिया में पिछले वर्ष हम लोग आए, अच्छा काम करते हैं, पैसा भी खूब मिलता है, उन्हें एक साइड बिजनेस कर लें। तो साइड बिजनेस क्या किया, गो मांस का चलान। हमने कहा क्या कर रहा, और कुछ मिला ही नहीं था। अरे तुम अपना परिवार को नष्ट करेगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो ऐसे कठोर कठोर काम करेंगे, निष्ठुरता पूर्वक काम करेंगे और कुछ मिलेगा नहीं। पूर्व जन्म में अच्छा तो किया है नहीं, इस जन्म में भी कुछ अच्छा करेंगे नहीं, पेश ऐसे ही सब चीज़ें होती हैं। भूर्कर्माणी सोत्रव्यानी विभाग, दिन रात इधर के उधर के कामों में, फजूल के कामों में रहेंगे, किंतु भगवान का थोड़ा सा नाम नहीं करेंगे। अतः साधोत्र जत्सारंग समुद्रित्य मनीष, इसलिए आप हमारा कल्याण कैसे हो, आप बुद्धिपूर्वक विचार करके कहिए। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, सुनने के लिए ही होती है, करने के लिए नहीं। इसमें सुनो उसको करो। जैसे मैंने इनसे कहा जरा पानी लाना, तो ये बैठे रहे। मैंने कहा जी पानी लाना तो बैठे रहे। मैंने पूछा जी सुन रहा है, तो हाँ सुन रहा हूँ, खूब सुन रहा हूँ। मैंने कहा जी तुम सुन नहीं रहे, सब लोगों से पूछे मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा जी सुन नहीं रहे, तो सुनेगा कैसे, एक गिलास पानी लाएगा तब कहे हाँ अब सुन। तो शास्त्रों के सुनने से ही नहीं होगा, उसके करने से होगा। जरा बोल दो तो उनको। और ये सोर्स ही है आखिरी का महाराज जी बोला होगा। हाँ हाँ आखिरी वाला जो महाराज वाज एक्सप्लेनिंग दैट इन कलयुग एवरीथिंग इज क्वारलसम, पीपल कैन नॉट लिव पीसफुली, एंड in the end he was explaining the verse from Srimad Bhagavatam that how the people in this age are mandah sumannatah man bhagya upadratah, they have very little intelligence, they cannot realize what is the right thing for them, they are very slow in thinking, they are always quarreling, and they are very unfortunate because they have not done any good things in the past, so they are very unfortunate. And the Maharaj was explaining that what the listening of Srimad Bhagavatam is different from listening of other things like Satyanarayan Katha, and the difference is when we listen we also have to do other kathas, we just listen but we don't do any activity, and when we listen to Vaishnava scriptures like Srimad Bhagavatam we listen and we also perform activity. For example, if someone is sitting and the Guruji tells him that go and get me some water, and he just keeps sitting there, then he says again get me some water, but he keeps sitting. So you ask him are you listening or not, he says yes I am listening, but then why don't you get the water, he says no I am listening, but actually listening is not enough unless you actually perform the activity. So we have to listen, but it's only the perfection of listening is only when we इसलिए आप निश्चित करके ऐसी बात कहिए जिसके करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा इस मनुष्य जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना मौज करना, बच्चे पालन पोषण करना, डरना किसी से और सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं, यदि हमने किया तो अधिक क्या क्या कर लिया। इसलिए हमें बतलाइए। शुद्ध गोस्वामी जी अपने गुरु जी को प्रणाम करके और बतलाने लगे। उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, उनके गुरु जी कौन है, सुखदेव गोस्वामी, उनको प्रणाम किया। सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रथो कजे अहे तुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। मनुष्य जीवन में
उन्हीं का मनुष्य जीवन सार्थक है, उनका धर्म वही है। दजी जो भगवान हैं अधोक्षक, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से उनका विवेचन नहीं कर सकते, इंद्रियों से हाथों से पकड़ नहीं सकते, किंतु फिर भी भगवान है। ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा हो और उनके प्रति यदि भक्ति हो, कैसी भक्ति जो पहले बतलाया, कोई भगवान से कुछ नहीं की। गोपियों ने भगवान से क्या मांगा, कुछ मांगा? कभी नहीं मांगा। यदि कृष्ण ने कहा जी कुछ दो, कुछ मांगो, तो गोपियों ने कहा जी अपनी सेवा दीजिए, तो ये मांगना हुआ कि नहीं? नहीं मांगना हुआ। आप प्रसन्न होकर के अपनी सेवा दीजिए, तो कृष्ण ने कहा जी तो मैं फिर ऋणी हो जाऊंगा। अच्छा, एक गोपी ने कहा जी जो हम मांगेंगे दे देंगे, तो कृष्ण ने जरूर दे देंगे। तो एक गोपी ने कहा जैसे हमने अपने सारे संसार के परिवार को, अपने पति को, पुत्र को, भाई को, बंधु को, धन को, संपत्ति को, अपने घर द्वार सब को छोड़ करके बस आपके चरणों में हमने समर्पण कर दिया है, वैसे ही आप ऐसा ही सब को छोड़ करके हमारे हमारे पास में रहिए। कहे ये तो हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे तो मैं केवल एक हूँ और हमारे कितने हैं विश्व में, जिसको छोड़ दूंगा उसका ऋणी बन जाऊंगा, एक को छोड़ करके आने से लाखों का ऋणी बन जाऊंगा। इसलिए कृष्ण के लिए ऐसा संभव पर नहीं है। किसी भी भक्त को छोड़ देंगे तो फिर उनकी गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं छोड़ सकते। गोपियां कर सकती हैं, सबको छोड़ करके एकांत रूप में कृष्ण का आश्रय ले सकते। भक्त भी अपने घर बार छोड़ करके, अब देखो ये लोग सब अपने घर बार, माता पिता भाई बंधु छोड़ करके और हमारे साथ में घूम रहे हैं, कोई काम नहीं करते, पंछी जैसे, इनका घर नहीं है, कुछ नहीं है। कृष्ण ऐसा कर सकेंगे, सबको छोड़ सकेंगे? इनके लिए, एक के लिए नहीं कर सकते। इसलिए रुक्मिणी को छोड़ देंगे, न सत्यभामा को छोड़ देंगे, न प्रहलाद जी को छोड़ देंगे, किसी को भी नहीं। हनुमान जी को छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ सकते, गोपियां छोड़ सकती हैं। इसलिए गोपियों जैसा वो कृष्ण नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं न पारे हम निर्वध्य संजुजा, मैं सब समय तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारा जैसा हमको नहीं कर सकते। एक चीज इसमें समझो, रुक्मिणी इत्यादि जो कृष्ण की पाठ रानियां हैं, है ना, कितनी है? 16,000 हैं, जिसमें 8 प्रधान है, 16,108। कृष्ण का अचल सुहाग उनको प्राप्त है ना, कृष्ण के साथ में द्वारकापुरी में रहती हैं, ऐश्वर्य का ठिकाना नहीं, लाखों नौकर चाकर हाथी घोड़े सब उनके, लाखों दास दासियां हैं। और वृंदावन में कृष्ण तो थे किंतु वो अब चले गए हैं द्वारका में, गोपियों को छोड़ करके, किंतु लोग क्यों राधा कृष्ण अधिक कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण सत्यभामा कृष्ण नहीं कहते हैं? क्यों? कारण क्यों? रुक्मिणी जी सत्यभामा में कम सुंदरी थी, कम गुणवती थी, रूपवती थी, बहुत अधिक थी उस समय विश्व की, रुक्मिणी भी सत्यभामा भी, किंतु गोपियों के साथ में कृष्ण का, गोपीनाथ कहती हैं, राधानाथ कहेंगी, मदन मोहन माने ऐसे ही सब नाम करेंगे, ब्रज जशोदा नंदन कहेंगे, क्यों ऐसा? ब्रज के ही। इसलिए इस चीज को समझिए,
द्वारकापुरी में यदि सत्यभामा के साथ में कृष्ण की शादी हुई, सत्यभामा ने अपना तन मन वचन जो कुछ था कृष्ण को समर्पण कर दिया, है ना, उनकी सेवा में रहती है। किंतु एक उनको 10 बेटे हुए, तो पहला जब बेटा पैदा हुआ तो उनका प्रेम कितना भाग में बट गया, दो भाग में हो गया ना। लड़के ने प्रेम ले लिया और कुछ कृष्ण में रह गया, कुछ घर गृहस्थी के संवारने में, घर को ठीक ठाक करने में उसमें मन लग गया, इस तरह से मन उनका भी खर गया। और यदि 10 लड़के हुए तो 10 और कृष्ण एक 11 भाग में बट गया ना? तो कृष्ण के पल्ले कितना पड़ा, अधिक से अधिक 1/10। और एक लड़की भी पैदा हुई, तो लड़की पैदा होने से फिर वो 11 ही हो गया। और लड़की का जो पति है वो भी अपना बेटा ही तो है ना, तो वो और बट गया। और उस लड़की को बाई चांस कोई लड़का हुआ या अपना नाती हो गया तो अपने पोते को संभालेगी ना, पति को भोजन कराने जाएगी, कह जी सब थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं अपने पोते को जरा देख लूं। तो इस तरह से उनका प्रेम बट जाता है। और ब्रज की गोपियों को कोई बेटा है, पति के प्रति तरस ने वो भी छोड़ दिया, संसार के प्रति भी छोड़ दिया, उन्मत्त हो गई, बस कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। इसलिए गोपियों का प्रेम अखंड है और उन लोगों का प्रेम बटा हुआ है, इसलिए उनसे लाखों गुणी श्रेष्ठ है। कृष्ण चाहते हैं अखंड रूप में प्रेम लेना, तब वो वशीभूत होते हैं। ये सब है भक्ति के विचार, है ना। ये कहते हैं ऐसे यदि मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र यदि कृष्ण के प्रति, पंखा चला ना भाई, पंखा क्यों नहीं चला रहे, ये बच्चे को गर्मी लगती है, ठीक है थोड़ा सा चलने देना है तो पीछे बंद कर, इन बच्चों को कष्ट ना हो, एक तो बड़ी मुश्किल से आए हैं, इनको कष्ट होगा तो हरी कथा सुनने जाएंगे कष्ट होता है। तो ऐसे भगवान का, जैसे भगवान की कथा कह रहे हैं, एक पैसे का कोई अर्थकार प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रभु से कुछ मांगना नहीं, प्रभु सब समर्थ हैं, जानते हैं सब कुछ, उनसे प्रार्थना क्या करना है, मत कुछ करो, मुक्ति की भी चाहना ना हो। ऐसा यदि कोई करता है, वासुदेवे भगवती, जो वासुदेव जो भगवान हैं, वासुदेव कौन है, कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण का यहां तात्पर्य, वासुदेव उनका भी नाम है नंद बाबा का, क्योंकि शुद्ध सत्व वो है, इसलिए उनका भी नाम है, एक ही वंश है, एक ही वंश में एक राजा के दो स्त्रियां थीं, एक से सूरसेन हुए और दूसरे से परजन्य हुए, परजन्य का लड़का वो गोपी से उत्पन्न होने से नंद बाबा हुए, और उधर में सूरसेन से वसुदेव जी हुए, ये दोनों अपने को भाई कहते थे, इसलिए वसुदेव जी का पुत्र और नंद बाबा का पुत्र दोनों एक ही हैं, ऐसा समझो, कुछ रस का विचार है। तो यहाँ पर आगे ये कहेंगे, बदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। भगवान की सेवा करने से, उनका भजन करने से हमारे ये कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएंगे, जगत में जन्म मरण बंद हो जाएगा और सदा के लिए मुक्त होकर के भगवान की सेवा में सदा के लिए नियुक्त हो जाएंगे, बस आनंदमय जीवन रहेगा। तो इसमें इन्होंने कहा बदन्ति तत्त्वविदस्, जो तत्व को जानने वाले हैं वो
अद्वैय ज्ञान तत्व को तत्व कहते हैं। अद्वैय ज्ञान किसको कहते हैं? कृष्ण और उनके जितने अवतार हैं, जितनी शक्तियां हैं, चित जगत है, वैकुंठ जगत इत्यादि, जीव जगत है, जितने जीव हैं और जड़ जगत है, ये सब कृष्ण से ही पैदा हुए हैं, इसलिए कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए इनको अद्वैय ज्ञान तत्व है सबके साथ में। जैसे एक राजा, राजा कहने से रानी भी होगी, राजकुमार भी होंगे, राज्य भी होगा, मंत्री परिषद होगा, हजारों प्रजाएं होंगी, उनकी सेनाएं होंगी, ये सब मिलकर के राजा है। ऐसे कृष्ण कहने से, भगवान कहने से, सबको मिला करके भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान की जो सेवा है उसको कहते हैं भक्ति। तो वो तीन प्रकार से दिखते हैं, तीन प्रकार की साधना से, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। जो भगवान दिखते नहीं हैं, उनका आकार नहीं है, उनके अंग की ज्योति का नाम ब्रह्म है, जिसको लोग योगी लोग, जिसको ब्रह्मवादी लोग, अद्वैतवादी लोग निराकार ब्रह्म कहते हैं, और अंत में उनमें मिल जाने की चेष्टा करते हैं। और दूसरा परमात्मा, जो हमारे हृदय में इतने अंगूठ परिमाण के रूप में, साक्षी के रूप में है, उनको कहते हैं परमात्मा। और जिनका रंग है, रूप है, नाम है, अखिल विश्व का संचालन सब कुछ वही जो करते हैं, वो भगवान। इन दोनों में से यहाँ पर ये नहीं बतलाया कि तुम ब्रह्म की या परमात्मा की सेवा करो, किसकी सेवा करो? भगवान। इसलिए सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्तिर अह अदुख, माने यहाँ पर भगवान। इसलिए यदि नहीं समझ में आए, लोग नहीं समझे, तो नाम करके बतलाए वासुदेवे भगवती। जो वासुदेव नामक भगवान हैं, उनकी सेवा करने से तब क्या होगा? आत्मा प्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। शरीर के लिए नहीं कहा, शरीर एक तरह से प्राणहीन है, इसमें प्राण है, आत्मा है, इसलिए ये चलता फिरता बोलता है। जिस समय में आत्मा निकल जाएगी, शरीर सड़ गल जाएगा, वो चेतन नहीं है। तो यहाँ आत्मा प्रसन्न होती है, इसका दो अर्थ, हमारी आत्मा का जो आत्मा, जो भगवान है, वो प्रसन्न होने से हमारी आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। यदि हमारा आत्मा प्रसन्न है तो ये शरीर भी प्रसन्न रहेगा, और आत्मा यदि प्रसन्न नहीं है तो हम भी प्रसन्न, शरीर भी नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पर भगवान के लिए बतलाया कि ऐसे भगवान की सेवा जिससे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि सब कुछ होता है, और उनका नाम वासुदेव कृष्ण है, या यशोदानंदन, या राधानाथ इत्यादि जो नाम है, उस भगवान की सेवा करने को भक्ति कहते हैं। इसलिए यदि ये जीवन में हो गया तो जीवन सुखी हो गया, और जिसका नहीं हुआ फिर गधे भेड़ कुकुर इत्यादि के जन्म में आएंगे। इसलिए जो साधु पुरुष हैं यही कहेंगे, जगत में अच्छी शिक्षा देंगे कि वासुदेव कृष्ण की सेवा करो, और जितने देवता देवी हैं उनको प्रणाम करो, आदर करो, निरादर मत करो। सत्यनारायण की कथा इसलिए कही जाती है कि लोग किसी की पूजा नहीं करते, अंततः धन के लालच से भगवान की तो पूजा करें। सुंदर स्त्री मिल जाए, बहुत दरिद्र आदमी था, वो उनकी पूजा की तो उसको सुंदर लड़की से शादी हो गई, उसका संसार बड़ा अच्छा हो गया, रुपया पैसा आने लगा, वाणिज्य व्यवसाय चलने लगा। इसलिए इस लालच से भी तो आए, जब हो जाएगा, इधर में आ जाएगा, तब ये बातें बतलाएंगे। देखो इससे कुछ लाभ नहीं,
शादी क्यों की जाती है? शादी करना जरूरी है? यदि सुखदेव गोस्वामी नारद जी बिना शादी के रह सकते हैं तो हमें शादी करने की जरूरत क्या है? शादी मने झमेला ही तो है ना, और क्या है? जिस माता पिता ने जन्म दे करके इतना पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया लड़की को, जब 21 22 24 वर्ष की हो गई, अब उसको दूसरे घर में भेज दिया, उन्होंने हल में उसे जोतना आरंभ कर दिया, एक तरह से दुखी जीवन है बहुत कम लोगों का। और उसमें मिला क्या? इसलिए नारद गोस्वामी ने शादी नहीं की, सुखदेव गोस्वामी ने नहीं की, गार्गी जो लड़की थी उसने शादी नहीं की। बड़ी ब्रह्मवादियाँ जो स्त्रियाँ हैं उन लोगों ने शादी नहीं की। शादी इसलिए की जाती है कि आदमी इधर उधर भटक करके संसार में केवल इसी व्यभिचार में न लगा रहे, इसलिए सबको छोड़ अंततः एक स्त्री के साथ में प्रीतिपूर्वक रह करके धर्म का आचरण करे, इसलिए अर्धांगिनी कहा गया। यदि ऐसा नहीं होता तो चारों तरफ में जैसे बंबई के स्टार हैं, इधर के स्टार हैं, ऐसे ही होता जीवन, गाय बैल भैंस की तरह में जीवन बेकार हो जाता। इसलिए ये सब की बस व्यवस्था दी गई। शास्त्रों में मांस खाने की भी व्यवस्था है, किस लिए? इधर उधर बहुत खाता है, अच्छा वर्ष में एक बार यज्ञ करके खाना बस, वो भी देवता को अर्पण करके, देवता ग्रहण नहीं करते, तभी एक लोभ दे करके लालच दे करके उनको बतलाया गया है कि इधर से उधर में आए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तस्मान एकेन मनसा एकांत चित्त से भगवान शाश्वतांग पति, शाश्वतांग कहते हैं ब्रज के जो लोग हैं उनके कुल को, या जदुकुल का नाम है शाश्वतांग, भक्त भक्त लोग जिसकी आराधना करते हैं जदुकुल में, जदु के लिए उद्धव इत्यादि अक्रूर इत्यादि जिनकी आराधना करते हैं, और नंदगे के पुत्र के रूप में ब्रज में जो आए उनका जो भजन करने वाले जो हैं, वो जो भगवान है शाश्वतांग पति श्रोतक, उन्हीं का श्रवण करो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का ध्यान करो, ध्येयस्य पूज्यस्य उन्हीं का अर्चन करो, इसमें तुम्हारा यथार्थ कल्याण होगा। कौन कह रहा है? समस्त शास्त्रों का निचोड़ सार लेकर के बतला रहे हैं, और सब शास्त्रों में इतनी सत्य बातें नहीं कही गई हैं जितनी भागवत में, इसका कारण भी पीछे दिखाएंगे हम, भागवत जब पाठ करेंगे आज से उसमें हम दिखलाएंगे। और सब में कुछ छल वाक्य हैं, छल वाक्य माने क्या बतलाया गया है किंतु उसमें शुद्ध बातें नहीं बतलाई गई, एक बार उसमें छल जुक लोगों को खींचने के लिए, वो एक ट्रिक है। इसलिए सत्यनारायण की कथा और जो बातें हैं वो सब ट्रिक हैं, कैसे जीव को भगवान के तरफ में ले आ करके फिर धीरे 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 भगवान की तरफ में ले जाए, एक बाय एक संसार के लोग नहीं आएंगे। इसलिए सुनमतांग स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो जयभद्राणि विदुने सुहित सता, भगवान की लीला कथाएं इतनी मधुर हैं, जैसे यशोदा जी कृष्ण को बांध रही हैं और वो बांध पूरा नहीं होता, दो अंगुल कम जाती, गोपियां हंसती हैं, कृष्ण रो रहे हैं, सुबह सुबह करके ये परब्रह्म ये रो रहे हैं, ये कैसे असंभव। ऐसी ऐसी मधुर लीला कथाएं हैं, इन कथाओं के माध्यम से कृष्ण उसके कान में प्रवेश करके हृदय में जा करके बैठ जाते हैं भक्तों के हृदय में। भगवान और उनकी कथा एक है, भगवान और भगवान का नाम दोनों एक है, कोई अंतर नहीं। यदि शुद्ध चित्त से कोई भगवान की कथा सुनेगा क्या होगा? भगवान कथा के माध्यम से कथा का रूप धारण करके उसके हृदय में बैठ जाए और उसके हृदय को पूर्ण निर्मल कर देंगे, सारी कामनाओं को दूर कर देंगे,
प्रेम में उन्मत्त कर देंगे, ये कथाओं का ये है। पुण्य हृदयंतस्तो जुह भद्राणि, हृदय में जितने भी अभद्र चीजें हैं, अमंगल चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं, गंदगी है, सबको दूर। गंदगी क्या है? गंदगी यानी अमेरिका में, विदेशों में, हमारे भारतवर्ष में भी सड़कें बड़ी साफ आजी में दूर कर देते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इस प्रकार से धीरे 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 जब हमारे ये सब मोह ममता संसार की और द्वेष हिंसा क्रोध भोग की लालसा ये सब दूर हो जाएगा, हृदय निर्मल जब होने को होगा, उस समय में भागवत सेवाया, ये भागवत की सेवा माने सुनना प्रेम से, और दूसरा एक भागवत होता है जो भागवत को संसार में प्रचार करता है, अपने जीवन में आचरण करके प्रचार करता है, तो उसे होगा क्या? भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भगवती निष्ठ की, उस समय में निष्ठाजुक्त भक्ति होगी, निष्ठाजुक्त भक्ति होने के बाद में फिर प्रेमा भक्ति होगी, इस तरह से प्रेमा भक्त होने पर भगवान खींच करके जीवन सफल हो जाएगा और जीव जगत में आना जाना सदा के लिए रुक जाएगा। सम उनको बतला दो संखेप में, यू कैन हियर समथिंग, लिखा है सारा जा रही जाओ, अब हम भी हाँ पुंडरी कैन कम कैन से बोलो, थोड़ा सा ऐसा मुड़ जाओ, तो आफ्टर दिस वर्स सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षिते, श्री महाराज इज एक्सप्लेनिंग हाउ वी शुड बी परफॉर्मिंग अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट वी शुड नॉट डिजायर एनी मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन और इवन डिजायर लिबरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग दिस भक्ति। व्हाई? जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड व्हेन ही इज क्राइंग द मदर herself understands what is the need of the child does not have to speak.